भारत योजना के तहत पूर्व मध्य रेल के 57 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसमें दानापुर मंडल के 13 स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के 508 स्टेशन पर विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जी हां, फतुहा बाढ़ समेत 13 रेलवे स्टेशन का फिर से कायाकल्प होना है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूर्व मध्य रेल मुख्यालय और दानापुर मंडल समेत सभी मंडलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। दानापुर के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बताया है कि मंडल के 13 स्टेशन को आरा, बिहिया, रघुनाथपुर, डुमराव, दिलदार नगर, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, जमुई, तारीगाना, जहानाबाद, बिहार शरीफ और राजगीर स्टेशन को चुना गया है। रेल मंत्रालय ने छोटे स्टेशन को विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की है। इन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर कोच गाइडेंस सिस्टम और लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी। आपको बता दे चले, अमृत भारत योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के 57 स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। इसमें दानापुर मंडल के 13 स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के 508 स्टेशन पर विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूर्व मध्य रेल मुख्यालय और दानापुर मंडल समेत सभी मंडलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जी हां, दानापुर के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बताया है कि मंडल के 13 स्टेशन को आरा, बिहिया, रघुनाथपुर, डुमराव, दिलदार नगर, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, जमुई, तारेगाना, मसौढ़ी, जहानाबाद, बिहार शरीफ और बता दें राजकीय स्टेशन को चुना गया है। रेल मंत्रालय ने छोटे स्टेशन को विकसित करने के लिए योजना शुरू की है। इन स्टेशन पर काफी यात्रियों सुविधाओं, आपको बता दें इसमें सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर कोच गाइडेंस सिस्टम और लिफ्ट की व्यवस्था भी रहेगी ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और बिना हैसल फ्री आप आराम से वहां पे अपना काम कर सकें। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।